अस्सलाम वालेकुम मैं हूं फोज़ वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबिया हाँ ट्रेंड्स आज मैं आपके लिए जो नेकलाइन बना रही हूं वो बड़ी सिंपल सी है वी शेप के साथ आगे स्लिट है और उस पर हम लेस लगाएंगे और मैं बताऊंगी कि आपको बहुत नीट और नाइस पाइपिंग जो है वो किस तरह से करते हैं और बहुत आसान वे में आपको बताऊँगी ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं आपने पहले भी बहुत सी देखी होंगी बट आज मैं आपको बता रही हूँ ये स्किन कलर का जो फैब्रिक है ये विंटर का फैब्रिक है और इसके साथ डार्क ब्राउन कलर की शॉल है एम्ब्रॉयडरी वाली बहुत ही खूबसूरत तो इसके साथ मैंने सोचा कि इसको स्किन कलर का जो है प्लेन ड्रेस बनाया जाए तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का न, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें जिससे हमें अप्रिसशन मिलती है और हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो चलें फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने ये पेपर टिकन लिया है और पेपर टिकन पे मैंने गले की चौड़ाई का निशान लगाना है और वो मैं लगा रही हूँ जी साढ़े तीन इंच पे बिकॉज़ मैंने सात इंच ब्रॉड गला रखना है और साढ़े छः इंच हम इसको लंबाई में निशान लगाएंगे और जितना आप इसकी स्लीट लंबी रखना चाह रही हैं उतनी रख लें मैं सत्रह भी रख लेती हूँ अठारह भी रख लेती हूँ और जिनकी हाइट अच्छी होती है उनके उन्नीस भी रख लेती हूँ तो इस तरह से मैंने वी शेप में इसका जो गला बनाया है वो गला प्योर वी शेप नहीं है इसको हम थोड़ा सा गोल वी भी कर सकते हैं मतलब कह सकते हैं ऊपर से ये थोड़ा सा जो है वो राउंड में आता है और नीचे से आके ये वी शेप में बन जाते हैं इसको अमूमन लोग गोल वी बोलते हैं जो स्ट्रेट वी है वो मुझे शायद अच्छा नहीं लगता वो बिल्कुल भी स्ट्रेट और पहनने वाले पहनते हैं अगर कोई मुझे जब कहता है तो मैं बना भी देती हूँ लेकिन मुझे बेसिकली इस तरह की वी पसंद है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है अब मैंने इसकी स्लिट का भी निशान लगा दिया है और उसको नीचे से मैंने वी करके अब आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरह से अपने जो नेकलाइन है वो मैंने ड्रॉ कर लिया अब इसकी हम कटिंग करेंगे और कटिंग करके इसको फैब्रिक पे चिपका लेंगे पेपर टिकन भी आपका अच्छा होना चाहिए एक पास पेपर टिकन ऐसे होते हैं जो चिपकते ही नहीं हैं और ये मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है चल जी ये अब हमारा नेक लाइन जो है वो हमने काट लिया है और अब हम इसको सेंटर में से भी काट लेंगे नीचे से एक इंच का मार्जिन छोड़ देंगे जो कि हम सिलाई के अंदर ले कर अब ये मैंने इसको सेंटर में से भी कट कर लिया है सिर्फ अपने सेंटर में से काटना है इसको इसका जो बुकरम है वो नहीं काटना आपने अब इसको हम अपनी शर्ट के उल्टी तरफ़ चिपका लेंगे और जब आप इस तरह से शर्ट के ऊपर डायरेक्ट पेस्ट करते हैं अपना पेपर टिकन तो शोल्डर्स का हिसाब लगा लिया करें कि जितना एक तरफ हो दूसरी तरफ भी उतना ही आपका पेपर टिकन जो है वो नेक लाइन जो है वो चिपकी होनी चाहिए ऐसा ना हो कि एक तरफ शोल्डर बढ़ जाए और दूसरी तरफ से कम हो जाए अब ये शर्ट के ऊपर हमने पेपर टिकन जो है वो चिपका लिया है फैब्रिक आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ताकि उस पर सिलवटें ना आए जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर कोई भी सिलवट नहीं आई अब इसको हम पेपर टिकन के साथ साथ रख के इसको कटिंग कर लेंगे और सेंटर में से भी कट कर लेंगे अब ये मैंने फैब्रिक लिया है ये भी इसमें से जो मेरे ख्याल में शलवार की कटिंग में से निकला था अब इसको हमने इसकी मगज़ी काटनी है पाइपिंग काटनी है अब इसका तरीकाकार ये है कि आप कोशिश ये करें कि जितनी लॉन्ग पाइपिंग आप काट सकते हैं उतनी काट लें ताकि उसमें जोड़ कम से कम आए अब ये मैंने दो पाइपिंग इसकी काटी हैं और मैंने ये हिसाब लगा लिया था कि ये मेरे नेक लाइन पर दोनों साइड पे एक एक पूरी आ जाएगी अब ये जो दूसरी पट्टी मैं काट रही हूँ ये हम इसके नीचे लगाएंगे जब हमारा नेक तैयार हो जाएगा अब इसको पहले मैं सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल किनारे पे ये सिलाई लगाने का मकसद ये होता है कि अक्सर जो है इसमें आपका जो गला बनाते वक्त उखड़ जाती है इसकी पेस्टिंग तो ये जो है कि कपड़ा अलहदा नहीं होगा अब ये आप आराम से इसको जितनी आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं उतनी इसकी चौड़ी पाइपिंग आप लगा लें क्योंकि ये आड़ी मगजी होती है तो इसको थोड़ा सा खींच के लगाना चाहिए वरना जब आप इसको दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे तो इसमें बल आ जाएंगे सलवटें आ जाएंगी जो कि देखने में बहुत बुरी लगती हैं अब मैंने एक तरफ लगा ली है अब दूसरी तरफ मैं इसको पाइपिंग लगा रही हूँ दूसरा पीस जो मैंने काटा था अब ये इसको भी मैं पूरी तरह से इसके साथ साथ रख के सिलाई लगा लूँगी जितनी मुझे चौड़ी पाइपिंग चाहिए थोड़ा सा मैं खींच के लगा रही हूँ क्योंकि अगर ये लूज़ लगेगी तो ये बहुत बुरी लगेगी अब यहाँ पे देखने की बात है कि ये एंड से मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से आधा इंच बढ़ा के मैंने काट दिया है और अब इसको यहाँ से हमने सिलाई के साथ सिलाई दोबारा से लगा देनी है वो इसलिए कि जब हम अंदर की तरफ़ फ़ोल्ड करेंगे तो ये इजीली हमारी फ़ोल्ड हो जाएगी और हमें कोई भी मसला नहीं होगा वरना इसको जब आप सिलाई लगाते वक्त मक्जी के ऊपर आप इसको करेंगे दोबारा से फ़ोल्ड उसके साथ ही तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो तो कर लेते हैं लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने जो मज़ीद डिज़ाइंस की तरफ बढ़ेंगे लेकिन ये बिगनर्स के लिए मैं एक अलहदा से प्ले लिस्ट बनाऊँगी जो कि ख़ास तौर पर हमारी बिगनर्स के लिए हैं अब ये मैंने इसको अंदर की तरफ टर्न करके आप चाहें तो मगज़ी के ऊपर भी सिलाई लगा सकती हैं लेकिन नीट वही लगती है जो कि आप सिलाई का जो इसमें एक निशान नज़र आ रहा होता है जिसका जो जोड़ नज़र आ रहा होता है आप उस जोड़ के अंदर सिलाई लगाएं तो मगजी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ऊपर लगती है तो वो इतनी ज़्यादा उसकी नीट लुक नहीं आती अब ये देखें मैंने बड़ी ही इजीली उसको अंदर की तरफ क्योंकि मैंने सिलाई लगा के उसको कर लिया था तो मैंने बड़ा इजीली उसको अंदर की तरफ टर्न किया और उसके ऊपर सिलाई लगा दिया अब ये देखें मैं साथ, साथ इसको अंदर की तरफ कर रही हूँ इसको खींच के ताकि हर तरफ से इक्वल इसकी पाइपिंग आए अब इसकी मगज़ी को हम दूसरी तरफ से सिलाई लगा लेंगे अंदर की तरफ टर्न करके जो नीचे से भी हमने इसको कपड़ा छोड़ा था वो भी हम अंदर की तरफ इसका टर्न कर देंगे तो ये हमारी पाइपिंग जो है वो तैयार हो चुकी है आप देखें कितना इजी हमने इसको तैयार कर लिया अब देखें कितनी प्यारी और नीट पाइपिंग लगी है इसके ऊपर अब इसके ऊपर लेस लगाने की बारी है हम लेस इसके जॉइंट के साथ साथ रख के इसको लगाएंगे पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी देखें अच्छा एक और चीज़ है जो कि हर एक को पता होना चाहिए कि जब आपका जो ये वाला पार्ट होता है ना बिल्कुल ये नीचे वाला यहाँ पे जब आप लेस को टर्न करके दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो उसके कोने जो है वो एक जैसे होने चाहिए अगर वो एक जैसे नहीं होंगे तो वो आप यकीन करें कि वो देखने में बहुत बुरा लगेगा अब देखें इसका एक फ्लावर मैंने सेंटर में लेके आई हूँ और दो पत्तियाँ जो हैं वो साइडों पे हैं वो एक अच्छी लुक देता है कोई भी लेस हो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखा करें अगर आपसे इस तरह से ना मैनेज हो तो आप इस तरह करें कि आप नीचे से लगाना शुरू करें मतलब सेंटर से लगाना शुरू करें ताकि आपके जो फ्लावर्स हैं जो आपके डिज़ाइन हैं वो दोनों तरफ से उसके कोने एक जैसे बराबर हो जाए अब ये ये पट्टी जो है नीचे लगाने वाली ये भी मैंने तैयार कर ली है इसको अभी मैंने दोनों इसके जो किनारे थे उनको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली है ताकि इसके धागे ना निकले सो अब ये हमारा जो है नेक लाइन वो रेडी है आप देखें कि कितना ख़ूबसूरत ये नेक लाइन तैयार हो चुका है अब मैं इसके ऊपर बटन्स लगा रही हूँ बटन्स भी मैंने इसी कलर्स में लिए कलर्स में लिए हैं और बहुत ही खूबसूरत ये नेकलाइन लग रही है सिंपल है और सर्दियों में इस तरह के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज